नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ रोशन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमला करते हुए वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव हैं। कल भी फेसबुक के माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था और कहा था कि जनजीवन हरियाली के माध्यम से सिर्फ चुनाव के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है, ये किसी तरह का पर्यावरण सुधार का कार्यक्रम नहीं है। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आप देखिए, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वो लिखते हैं, बिहार्स इनफेमस इनकैपेबल टर्न कोट सीएम नीतीश कुमार्स डिफेनिंग साइलेंस इज इनकरेजिंग वायलेंस। इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन नाउ बिलीव्स दैट ही इज नॉट अ पर्सन रैदर अ पपेट ऑफ डिवाइसिव एंड पॉइजनस ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टी लाइक आरएसएस एंड बीजेपी। ही मस्ट फुलफिल हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। दरअसल इस ट्वीट का मतलब हिंदी में हम आपको बता रहे हैं। जो ट्वीट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसका हिंदी में कुछ मतलब ये है कि देश भर में सिद्धांत विहीन, विचार विहीन और नीतिहीन राजनीति के लिए कुख्यात बिहार के असमर्थ पलटीमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर चुप्पी बिहार में हिंसा को बढ़ावा दे रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जेडीयू के समर्थन में खुलेआम गाली और गोली की भाषा बोलकर उनके कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में समुदाय विशेष के खिलाफ असंसदीय नारे लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन दंगा करने वालों के खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज कर सकें। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं तेजस्वी यादव, बिहार सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। झारखंड चुनाव में जीत मिल गई है, शायद इसके बाद उनका मोरल थोड़ा और बूस्टअप हो गया है। उन्होंने एक और ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, सवालिया लहजे में तंज किया है। दरअसल लिखते हैं, क्या हो गया है नीतीश कुमार जी को? जनता भ्रष्टाचार, घोटालों, विधि व्यवस्था, बेरोजगारी पर सवाल करती है तो सीएम तिलमिला जाते हैं, मीडिया सवाल पूछे तो बौखलाए सीएम मीडिया को ही अज्ञानी बताकर बकझक करने लगते हैं, विपक्ष पूछे तो झुंझलाए सीएम विपक्ष को ABCD सिखाने लगते हैं। तो लगातार हमलावर हैं तेजस्वी। पिछले दिनों हमने आपको, कल भी एक वीडियो दिखाया था जिसमें फेसबुक पर उन्होंने लंबी चौड़ी एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार कभी भ्रष्टाचार उन्मूलक बन जाते हैं, कभी समाज सुधारक बन जाते हैं, लेकिन समाज सुधार भी ऐसा कि शराबबंदी तो करवा दी लेकिन तमाम जगहों पर नकली शराब मिल रहे हैं, हर जगह से शराब बरामद किया जा रहा है, बिहार में शराब माफिया एक्टिव हो चुके हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी सीएम पर्यावरणविद भी बन जाते हैं और इसी के तहत वो इन दिनों जनजीवन हरियाली अभियान की समीक्षा करने निकले हैं, लेकिन दरअसल वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो इस माध्यम से चुनाव के लिए 2020 में विधानसभा चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ये सिर्फ फंड इकट्ठा करने का जरिया मात्र है। आपको बता दें कि इससे पहले राजद के ही नेता भाई वीरेंद्र ने भी यही आरोप लगाया था कि सीएम नीतीश कुमार इस माध्यम से, जनजीवन हरियाली महाअभियान के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं की जेब भरी जा सके और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग जनसभाओं में बटोर कर लाए जा सके। हम इन सारी चीजों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन भी जरूर दबा दीजिए और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।